गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको रेशनलाइज में सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आज क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले हमने फार्मूले कुछ कराए हैं जो आप नहीं देखे होंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल से जो भी है वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम दोबारा वीडियो डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रेशनलाइज कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेशनलाइज करना किसका डिनोमिनेटर करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट 3 + √2। अब इसको कैसे हम करेंगे, परिमेयीकरण जिसे बोला जाता है हिंदी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ लेता है। तो आप कुछ नहीं करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हर जिसे बोलते हैं, तो ये जो नंबर्स हमारे होते हैं ये वही नंबर्स रहेंगे, सिर्फ साइन आपको चेंज करके अंश और हर में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ प्लस है तो आप किससे करेंगे, माइनस। क्लियर है, नंबर को आप कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। अब आपको हम एक फार्मूला बताए हैं, आप जानते हैं कि a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में -b। ये आप देख सकते हैं इधर एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस है, ए और बी है, तो हम क्या करेंगे, 3 √2 करेंगे। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे राइट कर लेंगे, उसके बाद 3 ² करेंगे 9 आ जाएगा और √2 करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - √2 हो जाएगा और 9 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए और समझ लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ राइट कर देते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन शॉट भी लेके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2√3 / √5 - √2। अगर इसको आपको रेशनलाइज करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम आपको पहले क्या बताए हैं, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, अंश को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को नंबर वही लिखने हैं, उसके बाद जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, माइनस है प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √2, ये √5 + √2। क्लियर है, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√15। क्लियर है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट नंबर है तो हम मल्टीप्लाई के लिए कर सकते हैं, प्लस इसका इसमें करेंगे 2√6 डिवाइड बाई, फिर वही फार्मूला, एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या हो जाएगा √5 / √2। क्लियर है, अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को राइट कर लेंगे ऐसे, √5 / √2 हट जाएगा, 5 - 2, 2√15 + 2√6। अब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें कितना जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको देखते रहिए। और थर्ड क्वेश्चन भी हम लगाते हैं आपको, एक तो क्वेश्चन हम समझाते हैं उसके बाद आप होमवर्क दे देंगे, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, √3 - √2, √3 + √2। आप इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो हम आपको बताएं वही आपको करना है, सिर्फ हर को या डिनोमिनेटर को ही चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, प्लस एक किससे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको ये सेम दिख रहे हैं, नंबर भी सेम है, साइन भी सेम है, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, √3 - √2 2। √3 / √2। क्लियर है, क्यों, क्योंकि एक में प्लस है, एक माइनस है ब्रैकेट में, ऐसे भी आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं, फार्मूला आपको हम बताए हैं, √a - √b का फार्मूला, तो क्या होता है, a + b - √ab, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a मीन्स 3 + 2 - 2√6,
थ्री टू जा सिक्स डिवाइड बाई थ्री माइनस टू, फाइव माइनस टू रूट सिक्स वन, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइव माइनस टू रूट सिक्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ भी आया होगा। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे आपको दोबारा हम बताएंगे, जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार हम बताएंगे। तो आपको होमवर्क कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो आप अच्छे से घर पे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट टू, सेकेंड रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू, ये आप होमवर्क के लगा लीजिए। इसका जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।